सो गाइस गुड आफ्टरनून अस्सलाम वालेकुम सर फ्रेंड्स, वेलकम करता आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। यानी से मैं आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फॉरेक्स के रिलेटेड भी फॉरकास्टिंग करके बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम गोल्ड का फॉरकास्टिंग करेंगे एज पर प्राइस एक्शन, क्या हो सकते हैं प्राइस एक्शन की मदद से क्या मूवमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं आने वाले पूरे वीक के अंदर गोल्ड के ऊपर। तो हम उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके सेव कर लो। सेकंड चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट के अंदर पूरा पूरा टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज है, ठीक है। प्राइस एक्शन है, फॉरेक्स है और बेसिक कंसेप्ट ये, प्लस ईएम को क्लाउड सिस्टम का भी पूरे वीडियोस अपडेट है। वन टू वन पूरा सेशन आपको अवेलेबल है, तो उसको आप जाकर देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू का आईडी मिल जाएगा, ट्विटर का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप फॉलो अप कर सकते हो ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो, चाहे वो क्रिप्टो के रिलेटेड हो, फॉरेक्स के रिलेटेड हो, तो आपको वहां पर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। मैं यहाँ पर जो एनालिसिस करने वाला हूँ वो टर्मिनल पे करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर किसी कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस फॉरेक्स इस ब्रोकर को यूज़ करें या उस ब्रोकर को। मैं पर्सनली आईसी मार्केट को यूज़ करता हूँ, तो आपकी जो मर्जी, आप उसको चाहे उसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर हम वन डे के चार्ट के अनुसार गोल्ड यूएस डॉलर के ऊपर फॉरकास्टिंग करेंगे, एक्जैक्टली क्या मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्या हो सकता है मार्केट में कंडीशंस क्या आने वाले हैं, तो ये हम थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि जो लोग क्रिप्टो छोड़कर भी अगर फॉरेक्स या गोल्ड पर ट्रेड करते हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपको मार्केट को किस तरह देखना है, क्या चांसेस हो सकते हैं मार्केट के अप डाउन आने के। अगर आप फिलहाल ये सोच रहे हो कि यहाँ पर मैंने जो लाइंस ड्रॉ किया उस सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल यहाँ पर अगर आपको दिख रहे, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर किस चीज़ को लेकर मैं ड्रॉ किया। यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड होता है ये सब चीज़ को हैंडल करना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंट लेवल थे, इसलिए मैंने इस चीज़ को ड्रॉ किया हो। मैं आपको सब चीज़ हाईलाइट करके बताऊँगा ताकि आप जब अपना लाइफ एनालिसिस करें तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर आ सके। मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल्स हमको मिलना चाहिए, क्लासिकल सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल हमको मिलना चाहिए, तो हमको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर वन मोर टाइम सपोर्ट बना, बट यहाँ से रेजिस्टेंट और यहाँ से रेजिस्टेंट बना, तो ये क्लासिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल था। और यहाँ पर हमारा एक तीन मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया है, तो यहाँ पर हमारा थ्री टाइम रेजिस्टेंट लेवल यहाँ पर बना हुआ था, उसके इसीलिए वहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ किया है। सेकेंड लेवल क्यों ड्रॉ किया यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लेवल को अगर आप नज़र रख रहे हो, तो अब यहाँ पर देखो मार्केट ने सपोर्ट किया, यहाँ पर ही मार्केट एक एरिया बना रहा है और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट किया, तो इसलिए स्टॉन को ड्रॉ मैंने यहाँ पर किया हो, जहाँ पर हमको एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमको एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा, और जूम करने के बाद, क्योंकि देखिए इतना जूम कंडीशन आपको रखना है कि आपको जो एग्जैक्टली कैंडल स्टिक है उसे क्लियर शेप दिख सके कि हाँ ये कैंडल स्टिक जो बन रहा है वो किस तरह बन रहा है, क्या दिख रहा है। 21 EM में प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी में यूज़ करते 21 EM हमने यूज़ किया है। करंटली अगर मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर मार्केट एक रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। ऑब्वियसली बात, अगर आप इस चीज़ पर नजर रख रहे हो, इस राउंड पर नजर रख रहे हो, तो मार्केट ने पहले यहाँ पर रेंज किया है, देन वन मोर टाइम मार्केट यहाँ पर रेंज ले रहा है। ऑब्वियसली बात है, हमको रेंजिंग मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। हमको अगर एंट्री लेना होता है तो हम रेंजिंग से मार्केट जब निकल जाएगा तब लेना, मतलब जब इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तो हमारा वो एंट्री पॉइंट रहेगा, क्योंकि जब मार्केट रेंज होता है तो वो अप डाउन या मैनिपुलेशन अगर आप इसको बोल सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा अप डाउन लेगा, उसमें आपको प्रॉपर डिसीजन नहीं मिल पाएगा। जब ये हमारा अपर रेजिस्टेंट लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो क्लियर कट हमारा इतना, अगर मैं इतने हाइट की अगर बात करूँ तो क्लियर कट हमको इतना एक डिस्टेंस मिल जाता है, जब से हमारा नेक्स्ट टारगेट की अगर बात करूँ तो हमारे मे बी यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक फिर से हमको एक रेजिस्टेंट लेवल मिल रहा है। या अगर आप एरिया रेजिस्टेंट लेवल के हिसाब से बात करते हो, ये भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये हिसाब से देखो तो यहाँ पर भी है। तो हमको अगर ट्रेड, अगर आप गोल्ड पर ट्रेड लेना चाहते हो, तो इस रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई इसमें इंडिकेटर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, जिसमें स्टोकेस्टिक आपको यूज़ करने का बोल सकते हो, या आरएसआई आप यूज़ कर सकते हो, मैं पर्सनली स्टोकेस्टिक को देख रहा हूँ उसके अंदर, तो स्टोकेस्टिक को अगर आप देखो तो मार्केट ऑलमोस्ट ओवरबॉट के कंडीशन में, तो मे बी मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट हमको अगर बाय करना है तो हमको इस लेवल के जब मार्केट अबव ब्रेकआउट लेंगे तभी हम बाय करेंगे। उसके बाद हमारा पहला जो टारगेट रहेगा $1,283 का टारगेट रहेगा, यानी $1,283 रहेगा, तो उस टारगेट पे अगर आप सेल कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये रहेगा आपका कि इस लेवल को ब्रेकआउट होना चाहिए, साथ में आपको 21 EMA का नज़र रखना चाहिए, और साथ में आपको स्टॉकेस्टिक को भी देखना कि जब आप लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, आप एंट्री ले रहे हो, तो स्टॉकेस्टिक उस टाइम ओवरसोल्ड कंडीशन में होना चाहिए, क्रॉस ओवर होना चाहिए, परसेंट के परसेंट क्रॉस ओवर होना चाहिए, तभी हम उसके अंदर बाय एंट्री
ले सकते हैं। तो फिलहाल ये गोल्ड का ट्रेड है, अभी तो मार्केट न्यूट्रल पर है तो हम न्यूट्रल में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले। जैसा हमें कुछ मूवमेंट उसमें देखने को मिलेगा तो इंशाल्लाह हम उसमें ट्रेड अपना इनिशिएट करेंगे। जब मैं ट्रेड उसमें लूँगा या जब वो मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो उस टाइम मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा आपको एक बार वीडियो अपडेट करके बता सकूँ। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुका है। अगर आपको फॉरेक्स के रिलेटेड या क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स अवेलेबल, कमेंट करके बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर सकूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं वीक में एटलीस्ट एक या दो दिन आपको फॉरेक्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा और ये पहला वीडियो था हमारा। इंशाल्लाह मैं गोल्ड के अलावा यूरो यूएसडी अदर जो पेयर्स होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लाइव ट्रेड भी इंशाल्लाह आपको सामने करने की कोशिश करूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, कमेंट में करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, ये वीडियो कैसे लगा ये भी बताइए। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर अप करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।